नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि गुप्ता, सीनियर आई सर्जन, कैटरैक्ट रिफ्रैक्टिव एंड कॉर्निया सर्विसेज, नेत्रमाई फाउंडेशन, नई दिल्ली। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर आई स्ट्रेन होता क्यों है, व्हाट आर द कॉजेज व्हिच कॉज आई स्ट्रेन, एंड ऑब्वियसली दैट विल हेल्प अस रिड्यूस द आई स्ट्रेन इन आवर डे टू डे लाइफ। तो आई स्ट्रेन को समझने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझनी होगी कि हमारी आंखें एक डिवाइस की तरह है। वो एक डिवाइस है जिसमें लाइट रेज आती है और पीछे रेटना पर पहुंचती है, जिससे कि इमेज बनती है। सो अगर इस आंखों में आने वाली लाइट ज्यादा या कम होती है तो वो अकॉर्डिंगली हमें परेशान कर सकती है। अगर हमारी आंखों में चश्मे का नंबर है, यूजली जब चश्मे का नंबर बहुत ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली हमें पता चल जाता है कि हमें कम दिख रहा है और हम एक ऑप्थल्मोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन यूजली आई स्ट्रेन ज्यादा पावर वालों में नहीं होती है। अगर हमारी आंखों में छोटा चश्मे का नंबर है तो अक्सर हम सोचते हैं कि हमें तो चश्मे की जरूरत नहीं है, बट वो छोटा चश्मे का नंबर हमारी आंखों में स्ट्रेन कॉज करता है। और जब भी हम बिना उस रिफ्रैक्टिव करेक्शन के देर तक किसी चीज पे फोकस करते हैं तो हमारी आंखों में स्ट्रेन होता है। अगर हम ड्राई आई से सफर कर रहे हैं, हमारी आंखें ड्राई हैं, जो कि आजकल एसी एनवायरनमेंट में या लगातार पंखे की हवा में रहने से या बहुत देर स्क्रीन देखने की वजह से हो सकती है, तो ये ड्राई आई भी हमारी आंखों को स्ट्रेन दे सकती है। तो ड्राई आई के बारे में ही बात करते हुए, जब हम अपने ऑफिस सेटिंग में या अपने घर की सेटिंग में काम कर रहे हैं तो हम ये ध्यान दें कि एसी की हवा डायरेक्ट हमारी आंखों में तो नहीं लग रही, या पंखे की हवा या किसी कूलर की हवा डायरेक्ट हमारी आंखों में तो नहीं लग रही, बिकॉज ये हवा हमारी टियर फिल्म को इवेपोरेट कर सकती है और हमें प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग पे आई स्ट्रेन हो सकता है। तो अगर हम बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट में काम करते हैं या हम बहुत ज्यादा डिम लाइट में काम करते हैं तो ये हमारी आंखों में स्ट्रेन कॉज कर सकता है। वी शुड ऑलवेज एंश्योर दैट देयर इज एन एम्बिएंट लाइटिंग। और बहुत जल्द हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे कि व्हाट इज द करेक्ट लाइटिंग फॉर विच डे टाइम कंडीशन। अगर हम बहुत देर तक लॉन्ग ड्राइव्स कर रहे हैं, यानी एनीथिंग विच नीड्स अ डेडिकेटेड लॉन्ग फोकस, दैट कॉजेज स्ट्रेन ऑन द ऑप्टिकल सिस्टम ऑफ द आई। सो लेट्स से वी आर ड्राइविंग फॉर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस और वी आर रीडिंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक लगातार एक डिस्टेंस पे एक साइज के फॉन्ट को हम कॉन्टिन्यूसली फोकस कर रहे हैं, बी इट इन अ टेक्स्ट बुक और ऑन अ लैपटॉप और अ डिजिटल स्क्रीन, दैट कैन कॉज अस आई स्ट्रेन। अगर हमने रात को प्रॉपर स्लीप नहीं ली है, इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि अगर हम अपनी आंखों से दिन में 7-8 घंटा लगातार काम करते हैं तो हमें रात में 8 घंटा सोना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम स्लीप डिप्राइव्ड हैं तो उसके वजह से भी हमें आई स्ट्रेन हो सकता है। उसके अलावा बहुत सारी एसोसिएटेड आई डिजीजेस, जैसे कि आंखों में एलर्जी होना या आंखों में ग्लॉकोमा होना या फिर इवन साइनोसाइटिस होने की वजह से हमें आई स्ट्रेन हो सकता है। आई मसल्स की वीकनेस के वजह से भी आई स्ट्रेन बहुत कॉमन है, जो कि सबसे ज्यादा मिस आउट हो जाता है। तो हमारे लिए पानी पीना बहुत सिग्निफिकेंट है। अक्सर हमारी जनरेशन इनटेक ऑफ वाटर की रेलेवेंस को मिस आउट कर जाती है, पर इन टूडेज टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग एटलीस्ट 3 लीटर पानी पिए, बिकॉज डिहाइड्रेशन सबसे पहले हमारी आंखों को और हमारी कॉन्सेंट्रेशन पावर को इफेक्ट करता है। तो आई स्ट्रेन को प्रिवेंट करने के लिए आप पानी पिए, आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं और आप एक फाइबर रिच एंड फ्रूट रिच डाइट का इंटेक करें। तो आई स्ट्रेन से बचने के लिए एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए, एडिक्वेट स्लीप ले, अपनी डाइट पे, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। इस बात पे ध्यान दें कि कमरे में एडिक्वेट लाइटिंग हो, बहुत देर तक लगातार काम ना करें, और अगर इन सारी चीजों के मॉडिफिकेशन के बावजूद हमें आई स्ट्रेन है तो जरूर आप मिलिए अपने नजदीकी ऑप्थल्मोलॉजिस्ट को, बिकॉज बहुत जरूरी है ये रूल आउट करना कि हमारी आंखों में कोई बीमारी तो नहीं चल रही है। अगर ये वीडियो आपके लिए जरूरी है या आपको लगता है आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या जानने वाले को देखने से मदद करेगा तो शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।